तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच सातवें दौर की वार्ता में दोनों पक्षों के बीच मुख्य मुद्दों पर गतिरोध बना रहा। किसान संगठनों के नेताओं से पता चला कि अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। उन्होंने बताया कि आगे के कदम के बारे में कृषक संघ आज बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कृषि कानून खत्म करने के ऊपर जोर दे रहे हैं। इससे पहले किसान संगठना और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी, जहाँ किसान संगठन शुरू होने से ही 3 कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं सरकार की ओर से मंत्रियों द्वारा कानूनों के फायदे गिनवाए गए। सरकार कहती है किसानों को फायदा होगा, तो अगर किसानों का फायदा होता है तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहां तक पूरे देश के किसान भाई सड़कों पर क्यों उतरते। लगातार 41 दिन से देश के किसान कपकपाती ठंड में सड़कों पर बैठे है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। अगर किसानों को फायदा होता है तो पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन क्यों नहीं हुआ। आप जानते हो कि किसानों को नुकसान होना ही है। सरकार भी जानती है कि पूरी दुनिया भर में किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही है, इसीलिए अपने पार्लियामेंट में बहस नहीं करवाई गई और 3 नए कृषि कानून बिल पास करवा दिए गए। इसीलिए किसान आंदोलन कर रहा है। किसान को अपने फायदे से ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है, फिर भी सरकार नुकसान करने में लगी है। एक तरफ सरकार कहती है मेक इन इंडिया और दूसरी तरफ आप मंडियों में लोगों को बेरोजगार कर रहे हो कि आप किसानों को कमजोर नहीं समझ सकते। सरकार ये न सोचे कि इस देश का किसान डरता है, भारत देश का किसान मजबूत है, तो सरकार को अपने फैसले बदलने ही होंगे और किसानों का हक उनको देना ही होगा। हम भी आप सभी को निवेदन करते हैं कि किसान भाइयों का साथ दे, क्योंकि आप हम भरपेट जब खाना खाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के किसानों की वजह से। प्रदर्शनकारी किसान 6 जनवरी के बजाय अब 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अगले दौर की बातचीत से पहले इसे किसानों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि सरकार और किसान के बीच सातवें दौर की बातचीत बेनतीज रही। अब अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। दरअसल किसान तीनों कृषि कानून वापस ले और APMC पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं।